नमस्कार दोस्तों, इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 में लगातार 5 मैच जीतकर किंग्स इलेवन पंजाब प्लेऑफ की दौड़ में शामिल हो गई है। किंग्स इलेवन पंजाब ने सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही केएल राहुल की अगुवाई वाली पंजाब की टीम आईपीएल अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। पंजाब को आईपीएल में इस सत्र में 6 मैचों में जीत मिली है, जबकि उसे 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने अपनी शानदार वापसी को शारजा के मैदान पर भी जारी रखा। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने आईपीएल 2020 के 46वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर की टीम को 8 विकेट के अंतर से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर के सामने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद कोलकाता ने 20 ओवर में 149 रन बनाए, जिस लक्ष्य का पीछा करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। बता दें, पंजाब की जीत में मनदीप सिंह और क्रिस गेल ने अर्धशतकीय पारी खेली और आसानी से पंजाब को शानदार जीत दिला दी। जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में पंजाब ने अपनी जगह मजबूत कर ली है। मैच में केकेआर ने पंजाब को 150 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पंजाब ने 2 विकेट खोकर 1 ओवर के पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। मनदीप सिंह ने 56 गेंदों पर 66 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं विस्फोटक गेल ने 29 गेंद पर 51 रन की पारी खेली। अपनी पारी में गेल ने 5 छक्के और 2 चौके जमाए। मनदीप का आईपीएल में ये 5वां अर्धशतक है। मनदीप ने जैसे ही अर्धशतक जमाया, वैसे ही अपने पिता को याद करते हुए आसमान की ओर देखकर अपने इस 85 को उन्हें समर्पित किया। बता दें, मनदीप के अर्धशतक को देख कर बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी ने ट्वीट किया और जो बातें लिखी उसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। सुनील शेट्टी ने ट्वीट में मनदीप की अपने पिता को याद करते हुए तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, जब आपके पिता ऊपर से आशीर्वाद देते हैं मनदीप के लिए वाओ। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर में से एक सुनील शेट्टी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब कभी भी क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होता है तो सुनील शेट्टी अपना रिएक्शन देते हैं। क्रिकेट को लेकर वो हमेशा अपनी राय देते रहते हैं। पंजाब के खिलाफ मैच में केकेआर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी बेहद ही खराब रही। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए मन इंडिया।